जिस तरह देश की सीमा पर मुस्तैद रहकर हमारे देश के जवान हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह देश के अंदर हमें सुरक्षा का एहसास कराने और अपराधियों से सुरक्षित रखने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लेकिन जब सुरक्षा में तैनात रक्षक ही जनता को परेशान करने लगे तो सुरक्षा कैसे हो सकेगी और जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। सूबे की कमान संभालते ही सीएम योगी ने अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के वादे किए और पुलिस को इस पर अमल करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन बहराइच में इसी तरह की घटना ने जिले के पुलिस कप्तान विपिन कुमार मिश्रा के बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था के दावों की पोल खोल कर रख दी है। यह पूरा मामला शहर की गल्ला मंडी चौकी के दो सिपाहियों का है, जिन पर एक वाहन चालक और उसकी गाड़ियों का पंचर बनाने वाले पिता से वर्दी की ध्वज दिखाकर मोटी रकम वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। यही नहीं, पुलिसिया रौब दिखाकर पिता व पुत्र की पिटाई भी की है। हालांकि इस पूरे मामले से चौकी इंचार्ज व थाना अध्यक्ष अनजान है, तो वहीं पीड़ित की मां ने घटना की जानकारी दी, जिसे सुनने के बाद शायद हर किसी का पुलिस पर विश्वास ही न रहे। देखने वाली बात यह है कि पुलिस कप्तान इस पर क्या कार्यवाही करते हैं और क्या पीड़ित को इंसाफ मिल सकेगा। रानी, क्या मामला, कहाँ रहते हैं? अस्तलारपुर रहते हैं। क्या मामला है कि हमारा लड़का बुकिंग चलाता है गाड़ी, और वो एक लेडीज महिला को वहाँ अपना बुकिंग पे ले जाना था। आज हफ्ता भर पहले की बात है, तो जब जो है हमारा लड़का यहाँ पहुँचा गल्ला मंडी चौकी के पास, तो सिपाहियों ने रोक लिया। उसके बाद जो है देखा गाड़ी में कुछ मिला नहीं, उसने पूछा उछा तो हमारे लड़के ने बताया कि ऐसा है कि हम बुकिंग ले जा रहे हैं। उसको कुछ नहीं मिला तो हमारे लड़के का मोबाइल ले लिया और उससे कहा कि ऐसा है कि आप इस लड़की को छोड़ के आइए, फिर हम जो है मोबाइल आपका देंगे। फिर वो जब आया तो उसको मोबाइल नहीं दिया और हमारे लड़के को बंद कर दिया, मारा पीटा। उसके बाद फिर मारने पीटने के बाद हमको सूचना भी नहीं दी। जब हमको पता चला सुबह हम आए तो जो है वो पैसा मांग रहे थे। कौन लोग? यही महेंद्र सिंह और सुरेंद्र राय। क्या है, क्या है ये, क्या है ये? सिपाही, ये सिपाही हैं। और उसके बाद फिर जो है जब बात आई तो 50,000 मांग रहे थे। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर हमने कहा कि ऐसा है साहब, हम लोग नहीं दे पाएंगे। फिर 20,000 पे बात आई, 20,000 हम लोगों ने अपना जेवर बेच करके उधार पानी लेकर के इनको दे दिया। फिर देने के बाद इन्होंने बात ख़त्म कर दी। फिर जो है आए हमारी दुकान पे, कब? आज। फिर उसके बाद हमारे हस्बैंड को मारा और गाली दी बहुत, बिटिया बहन की, माँ बहन की गाली उल्टी सीधी थी इसी 5,000 के लिए। कहा हमको 5,000 रुपये दो, तो हम गरीब इंसान हैं, पंचर की दुकान है, बच्चे हैं, हम लोग कहाँ से पाएँ। उन्होंने नहीं माना, आ गए दुकान पे, फिर मारा पीटा, मार पीट के चले गए। किसको मारा? हमारे पति को मारा। 5,000 मांगने आए थे? 5,000 मांगने आए थे। बहराइच से केकेडी न्यूज संवाददाता आमिर अली की रिपोर्ट।